और एनएच में कभी भी ये अलाउड नहीं होगा। क्या BMW हां जी व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जेसन। की हालचाल, सत श्री अकाल। सो भाई, चंडीगढ़ गया था मैं बहुत जल्दी, ऐसे मतलब आपने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, इन सब फॉलो करते होगे तो पता होगा। जीएस लेके गया था, बड़ा मजा आया, बहुत सारा सामान लेके गया था मैं। ऐसे गया और ऐसे आ गया। क्यों आया हूँ, क्योंकि एक इवेंट है जिसको मैं कल अटेंड करूंगा, आज भी करना था बट मैं लेट हो गया दोस्तों। मतलब बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊं। एनीवेज, बहुत सारी यादें और ये सोविनियर लेके मैं वापस आ गया हूँ। अभी क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। सीएनसी पे हमने काटा है एल्यूमिनियम, मेरे कजन ने वहां पे एक सेटअप किया है चंडीगढ़ के अंदर में। तो भाई, जो आसपास के इंडस्ट्री एरिया ना, थोड़ा थोड़ा भी उसको काम आना शुरू हो गया क्योंकि नया सेटअप है। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चंडीगढ़, मोहाली या आसपास कहीं से भी ना, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो इससे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैं और बिलीपा जी गए थे विजिट करने की, कहाँ पे ये वाली मशीन लगी है। सो एज अ डेमो हमने अपना लोगो वहां पे कटवाया था। समझ में ये बात आई कि भाई बड़े काम की चीज है ये, जो फ्लैट बेड प्लॉटर है बेसिकली, जैसे होता है ब्लेड वैसे यहाँ पे लेजर काटती है हाई इंटेंसिटी की। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैंने तो सजेशन दिया कि भाई तू हेलमेट होल्डर बनाना शुरू कर दे, जो ये बाइक्स है ना इसके पीछे टेल टाइडी बनाना शुरू कर दे। एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इस मशीन के साथ। मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ, आप भी आई एम श्योर, मतलब थोड़े से क्लिप्स देख के हो गए होगे। बट अभी इसको रख देते हैं साइड और करते हैं आज की मुद्दे की मेन बात। सो भाई, मेन बात ये थी कि मेरे को एक इवेंट अटेंड करना था जिसके लिए मैंने जल्दी मचा रखी थी, मतलब अत जल्दी मचा रखी थी। और मैं सैडली यहाँ दिल्ली आने के बाद भी आज जा नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत लेट हो गए, अभी 2:45 हो रहे हैं एंड गाड़ी भी साफ नहीं है। मैं गाड़ी भी साफ करा लेता और निकलते निकलते 4 बजे के बाद ही पहुँचता BIC, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिला मेरे को दिल्ली एंटर करते ही। सीन्स ऐसे हो जाते हैं कि भाई 1 घंटे की सनलाइट मिलती, फिर वापस आना पड़ता 2-3 घंटे शाम का ट्रैफिक झेलने के बाद। सो लास्ट मोमेंट आई हैव डिसाइडेड कि मैं बैठ के एडिट करूंगा एंड आज नहीं जाऊंगा, बट कल जाऊंगा तो फुल एनर्जी के साथ जाऊंगा। और इस इवेंट का नाम है लॉन्च कंट्रोल, जिसको अटेंड कर रहा हूँ मैं पहली बार इन द कार। वाह वाह वाह। इंपॉर्टेंटली, हर बार की तरह इस बार भी मेरे को हाईवे पे पुलिस ने रोका, बट सरप्राइजिंगली पुलिस वाले को खुद ही नॉलेज नहीं थी रूल्स की। मेरे को बोलता है इस हाईवे पे 2-व्हीलर अलाउड नहीं है। एनएच पे कभी भी ये अलाउड ही नहीं। क्या भाई, एनएच पे 2-व्हीलर अलाउड नहीं है सर? 2-व्हीलर अलाउड ही नहीं। पूरा इंडिया घूम लिया सर मैंने, कश्मीर टू कन्याकुमारी किया है। बोर्ड पे क्रॉस लगा होगा कि बैलगाड़ी और बाइक अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड है। क्या काम करता हूँ? मैं यूट्यूबर हूँ सर, मैं वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। ठीक है सर। 27 लाख BMW है। हाँ जी, 27 लाख। ठीक है सर। फाइनली टुडे इज द डे जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आज पहली बार ये पोर्शे ट्रैक पे चलेगी और ड्रिफ्ट भी करेगी। ऑल दो मैं मतलब इसको लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, दिस इज द सेकंड टाइम। आपको याद है जब मोटो जीपी हुआ था तब हम इसमें आए थे। सो अभी सबसे पहला काम है स्टिकरिंग यहाँ पे लग रही है, मतलब इसके बिना हमें एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को यार सैडली मतलब 69 नंबर नहीं मिला, 61 मिला। और यहाँ पे एक बड़ा सा एडिशन है लॉन्च कंट्रोल का, और वहाँ लिखा ट्रैक डे 19 नवंबर। तो भाई गाड़ी अब इसके साथ ना एंटर कर सकती है। और आज मेरा को पैसेंजर है सैम, सैम द थार। क्या हाल है भाई के? एक्साइटमेंट, क्या क्या गाड़ियाँ हमने सुबह से देख ली, मैक्लारेन, ऑडी, फलाना ढमकाना, पोर्शेस तो बहुत सारी हैं। सो मजा आएगा भाई, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होगा। तो जो भी यहाँ होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। बट सच बोल रहा हूँ, गूज बम्स आ रहे हैं क्योंकि भाई इतनी आवाजें आ रही हैं, एक से एक स्पेक्ट कार है ना। अभी हम कुछ भी नहीं, हम अभी फील्ड में
रहे हैं, हम शहर में नए हैं भाई साहब। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, हमारे पास बाइकों में एक अम्मा है ना। हाँ, बड़ी माँ। गाड़ियों में बड़ा पापा भी है भाई। ये तो है, ये तो है, ये तो है। मतलब जब मैंने एंट्री करी थी सब इसी को देख रहे थे क्योंकि बहुत लाउड है। आई एम श्योर, मतलब जो बड़े स्पेक वाली गाड़ियां हैं वो इससे लाउड होंगी, बट पोर्शे में इस कैटेगरी में फ्लैट सिक्स के अंदर में मुझे नहीं लगता इससे लाउड यहाँ पे कोई पोर्शे होगी। देखो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारी यहाँ गाड़ियां हैं, बट मेरी गाड़ी जाएगी अभी पिट में क्योंकि भाई की चलती है, लोगों की जलती है। पिट में गाड़ी आ रही है और यहाँ टायर चेंज हो रहे हैं गाड़ियों के। एंट्री बाजी। यस भाई। डेडिकेटेड है यहाँ पे एक्सोटिक टायर्स हैं, अलॉयज हैं, मशीन्स हैं और बहुत सारी रिलेटेबल चीजें हैं जो एक कार एंथुसियास्ट को चाहिए रहती है और एक बाइक एंथुसियास्ट को चाहिए रहती है। इसलिए यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी है, दैट इज अ डुगाटी मल्टीस्टार्टर। किसी को वो स्पेशल टायर्स स्पेशल like, बोले तो ऐसा स्पेशल है, या वैसा स्पेशल ऐसा स्पेशल ले लो भाई साहब। मैंने कभी ऐसा टायर नहीं देखा। देखो प्रॉपर ड्रैग टायर है, स्पेसिफिकली मतलब काफी ब्रॉड है, मेरे हिसाब से 285 होगा कम से कम। बट देखो ड्रैग टायर्स ऐसे होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे, मतलब इसमें तो ग्रिप है, इसमें ग्रिप नहीं है, तो लोगों को इसके बारे में नहीं पता। ऐसे भी होते हैं, वाओ। सो मतलब स्पेशल एक से एक जो चीज बाहर नहीं मिल सकती, इम्पोर्टेड आपके पास में होती है। कुछ उनमें से ये है, कुछ ज्यादा स्पेशल एक ये भी है। ओके, दिस इज समथिंग लाइक कप टू आर, कप टू आर वाली चीज है। अच्छा, पीपल हैव यूज्ड कप टू, दीस आर कप टू आर्स। ओके, एंड वो ये मॉन्स्टर का है भाई, आपको मैं बताऊंगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। जैसे देख सकते हो, और ये फिट होने वाला है इसुजु के अंदर में, राइट? हाइलेक्स, हाइलेक्स लाइक नॉट अ स्टॉक कार, ओके, विद अ गुड सस्पेंशन, एटलीस्ट 5 inches, नॉट बिलो दैट। सस्पेंशन चाहिए 5 inch का, उससे नीचे लगेगा ही नहीं। अमेजिंग। तो भाई कुछ भी टायर से रिलेटेड आपको, मतलब गाड़ी का टायर हो, एसयूवी का टायर हो, मतलब ट्रैक कैटेगरी, रेसिंग कैटेगरी, उसके बाद में स्पोर्ट्स बाइक के टायर हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सचिन भाई आपको याद होगा रिसेंटली मैंने अपनी बूसा के भी टायर चेंज कराए थे, जहाँ पे डिफेंडर लेके जट भी आया हुआ था। तो मतलब मैक्सिमम सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे भाई साहब। चलान कटेगा, चलान अभी यही पे तेरा चलान कटेगा भाई साहब। एक घंटा डेढ़ घंटा लेट है तू। अबे जाने नहीं दे रहे। अबे टूर वाला ना, उधर से मैं उसकी शक्ल देख रहा था, उसने आपने वहां से शीशा डाउन किया, अच्छा ऐसा था क्या? चलो बढ़िया है, चीटियां जहाँ जा रही है उसके पीछे लगा दो, मौ लगा दो। भाई वार्म अप हो रहा है, आपको आवाजें आ रही होंगी। बहुत ही क्रेजी सीन है इधर में, गाड़ियां दौड़ रही हैं, इधर में कॉफी पी जा रही है, आंखें खोली जा रही है।
गए ड्रिफ्ट जोन में, और ट्रस्ट मी मैन ये अलग ही नशा है भाई। मतलब पहले वहां जाओ, टायर जलाओ, टायर फाड़ो, इधर आ जाओ, फिर सामने में मतलब सेटअप्स लगे हुए हैं जहां पे टायर चेंज कराओ, फिर दोबारा जाओ, तो मतलब एक एक सेशन में ना, या कम से कम दो सेशन में एक टायर सट जा रहा है। इमेजिन करो, लाखों रुपए के टायर है। अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो भैया 35,000 का एक टायर है, तो मोटा मोटा 1,40,000 का सेट है। दिल मेरा इतना कर रहा है, बट मैं क्या करूं, मतलब अभी बहुत ग्रिप है। और अभी हमने ना ट्रैक सेशन नहीं किया है, तो अगर उससे पहले मैं ड्रिफ्टिंग में जाऊं और मैं अपने आप को संभाल ना पाऊं, मतलब भावनाओं में बह जाऊं, तो भाई टायर फट सकते हैं। तो बस अभी किसी कश्मकश में हूं मैं कि अभी अपनी गाड़ी लेके जाऊं या शाम में लेके जाऊं। ये पक्का ड्रिफ्ट करूंगा, बट ये पक्का नहीं है कि भैया ट्रैक से पहले करूं या बाद में करूं, क्योंकि मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है इस चीज को लेके। मजा तो खूब आ रहा है, चीखे निकल रही है भाई। Moments later. So, भैया आपके शौक से है कि 35,000 पक्के हो चुके हैं।